देखो जानी हमारे मुल्क में आप जो पब्लिक वॉल्स पे देखते हैं तो लोगों ने अपने इश्तेहार लगाए होते हैं और आप समझ रहे हैं मैं किन इश्तेहार की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, बट लेक से निकलने के बाद मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ की वॉल्स पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनी और जानी देखने को बहुत अच्छी लग रही है। तो अभी ज़रा आप लोग वो देखिए। ये अंडर ब्रिज वॉल पेंटिंग कभी मिस मत करना यार। हाँ जी भैया, अगर बात करते हैं स्ट्रीट आर्ट की जानी, तो मैं उस जगह से निकला हूँ, आया हूँ एक और जगह पे आप लोगों को स्ट्रीट आर्ट थोड़ी दिखाने। बट मैं यहाँ पे पहुंचा तो देखा जानी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है और यहाँ पे परमानेंटली क्लोज कर दिया ऊपर जाना। क्या हुआ अगर आपका भाई नहीं जा सकता, मेरा ड्रोन तो ऊपर जा सकता है ना, तो चलिए जानी ड्रोन फ्लाई। जाने देखो मौसम अच्छा हो, आपका मूड भी हैप्पी हो और उसके साथ साथ आप फ्री भी हो, तो डाउनटाउन में आना बनता है ना यार। कल मैं ज़्यादा शूट कर नहीं सका, इसकी वजह से मैं दोबारा इसी जगह पे आया हूँ कुछ शूट करने। अभी आप लोग शॉर्ट्स देखिए, मैं ज़रा ट्रैक करते करते कहीं जा रहा हूँ। डाउनटाउन में हो तो 6th Street में वॉक लाजमी करना यार। जाने यार काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड कर दिया डाउनटाउन में और काफ़ी कुछ शूट कर लिया मैंने। अब अल्लाह कह रहे सब अच्छा आयो और मैंने बहुत इंजॉय किया पर्सनली यार। बट अभी जाना है गाड़ी की तरफ, रूम में अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। कहीं जाना है बट कहाँ जाना है अभी डिसाइड नहीं किया, डिसाइड करता हूँ तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी ज़रा पार्किंग से गाड़ी उठा दी। जाने देखो आज संडे और संडे का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, थोड़ी वेट चीज़ें करते हैं। मैं अभी म्यूजियम ऑफ फियर्ड में जा रहा हूँ। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मरमट पकड़ी थी, जिसमें यूएफओ क्रैश हुआ था उसमें से एक एलियन की मम्मी यहाँ पे मौजूद है। ये मम्मी 3000 ईयर्स पुरानी है। ये शक्ल तो कहीं जानी पहचानी मुझे लग रही है। इसका नाम पता होता तो जरूर बता देता आप लोगों को। जानी इन्होंने गोरिल्ला कैद किया हुआ है इसमें। आई डोंट नो ये असली है या नकली है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट इन्होंने आइस में ये रखा हुआ है। क्या कोई है क्या अंदर? ओह माय गॉड, ओके नो इट्स टू मच स्केयर ब्रो गोरिल्ला। जानी मैं म्यूजियम से तो निकल आया हूँ, बट आई एम एट 6th Street, तो वन ऑफ द फेमस स्ट्रीट इन डाउनटाउन जानी, क्योंकि यहाँ पे सब क्लब बार्स पब्स हैं। मैं थोड़ा उधर जाता हूँ। हाँ, जब उस दिन रात को मैं जब मैं यहाँ पे था तो जानी इस सड़कों पे माहौल ही माहौल था, बट अभी अभी कहीं और चल रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद कांग्रेस ब्रिज पे वॉक करते हुए आना यार, क्योंकि यहाँ पे सारे पैसे व्यू के हैं। जानी जानी अच्छी बातें करते हो और अच्छी बातों में से सबसे अच्छी बात यह है कि आपके भाई अभी आया कांग्रेस एवेन्यू ब्रिज पे। जानी जो आप लोग पीछे बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये है ऑस्टन डाउनटाउन और आपका भाई ट्रैक करता करता थोड़ा आगे तक जा रहा है, और क्योंकि आपके भाई को ड्रोन शॉट्स बनाने हैं यहाँ पे। आने के मेरे दो रीजन थे, पहले यहाँ से ड्रोन फ्लाई करना और दूसरा
जानी मुझे मूवीज में नहीं होता, हीरोइन और हीरो चल रहे होते हैं ऐसे ही किसी ब्रिज पे जहाँ से पीछे ट्रैफिक जा रही होती है और वो हाथ में हाथ पकड़े, मैं तो हाथ किसी का भी पकड़ नहीं सकता, वादा में अकेला जरूर जाऊँ। अभी अपनी जरा नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप कहेंगे कहाँ जंगलों में आ गए, बादावे बार्टन स्प्रिंग्स लेकर जाने, क्योंकि ये डाउनटाउन और कांग्रेस एवेन्यू के बिल्कुल करीब, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पहले आते हैं। अभी जरा मैं आगे चलता हूँ और जगह एक्सप्लोर करते हैं यार। She get to the cash when she walks. She look like a bad when she walks. She get to the cash when she walks. She look like a bad when she walks. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah, we get to it, got it stocked up. Up, got a hand all rocked up. Like one care, two care, more cats. She look cares like a bunny, got a hops up. Don't care for designer, got her own drip. Don't care for the phones, got her own whip. Don't care for the scenes, take her own trip. Guarantee it's for... एक बात शेयर करूं आप सब लोगों से कि यहां पे आके आपके भाई को अपना समंदर करते वाला ब्लॉग याद आ गया। बीच साइड पे आयो, ऐसे सीन तो देखने को मिलेंगे ही। जानी तो मैं जरा इनर स्पेस केव में आया हूँ, चले जरा अंदर चलते हैं और देखते हैं कि जानी नीचे क्या है। जानी देखो अगर हिस्ट्री की बात हो ही रही है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जानी पुराने जमाने में लोग केव में रहा करते थे, सो मेरा इंटरेस्ट केव को एक्सप्लोर करने में था, इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया। Honey, check this. I'm really excited. Go inside there. नजर जाते हुए इस बात का ख्याल रखना कि आपकी गाइड प्यारी होनी चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको एक प्यारी कंपनी भी तो चाहिए ना। जानी मैं फ्लैश लाइट में शूट करूँ, बाय द वे आई एम इन केव राइट नाउ और या आई एम हियर एट द 60 फीट बिलो द ग्राउंड और राइट नाउ गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है मुझे। अभी आगे जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं केव को। हाँ जी भैया, जाने मैं केव से तो वापस आ गया और बता चलो मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैं फर्स्ट टाइम किसी केव में गया हूँ और ऐसी केव में ओह माय गॉड इन्फॉर्मेशन में मेरी बहुत इजाफा हुआ, मैंने खुद एंजॉय किया और अंडरग्राउंड चीजें देखी यार मेरे फर्स्ट टाइम रियल में वो भी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और कहीं और चलते हैं। देखो जानी जब व्यू और हाइट्स की बात होती है तो माउंट बोनल भी आस्टन की हाइट्स में आता है और अभी आपके साथ जरा व्यू शेयर करता हूँ। जानी 1 आवर की ड्राइव करना, उसके बाद इस गर्मी में ट्रैक करना, बाय द वे सारे पैसे इस व्यू के, तो चलिए जरा ड्रोन फ्लाई करते हैं। Thank you.
जानी आप लोग अगर ऑस्टिन आए और बुलॉक म्यूजियम नहीं आए तो जानी ऑस्टिन आए क्यों? That's why I'm here at बुलॉक म्यूजियम. तो जानी मैं अभी एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, बाय द वे अंदर चलो. गिटार सेक्शन में चलते हैं जानी. ये दुनिया का सबसे बड़ा गिटार है जो कि 33.5 फीट लॉन्ग है और 16 फीट इसकी वर्थ है और ये प्लेएबल गिटार है. चलें इसे जरा ट्राई करते हैं. बूम. जाने इस म्यूजियम में दुनिया के सबसे पुराने गिटार, सबसे बड़ा गिटार और सबसे अच्छे गिटार रखे गए. ये इलेक्ट्रॉनिक गिटार है जो कि 100 पीसेस ऑफ वुड से ये बनाया गया है. दिस इज रियली गुड प्लेस फॉर म्यूजिशियंस. दिस इज सो कूल जानी. ये कदीम जमाने की कुछ चीजें जानी. किश्ती चेक करो आप. दुनिया की तो नहीं कह सकता सबसे बड़ी, वो तो टाइटैनिक थी, बट ठीक है सफर करने के लिए मैं तो कभी ना करूं. तो इस शिप की बात करते हैं तो ये शिप 54 फीट लॉन्ग थी जो कि लाबेली साहब इन्हें 1684 में फ्रांस में छोड़ के भाग गए थे. तो इसमें 34 मुसाफिर मौजूद थे जो कि इसमें कई दिनों तक सोए रहे और फिर बाद में इस शिप को म्यूजियम में रख दिया गया. ये एक्चुअल शिप तो नहीं है बट यह है कि इसका मुजस्मा है और तो कहते हैं कि इस शिप को वार के बिना ही कैप्चर किया हम लोगों ने. कहते हैं ये स्पेनिश सोल्जर का यूनिफॉर्म है जो कि 54 पाउंड इसका वेट पहन के जंग किया करता था इन लेटर 70s में. यानी पुराने वक्तों में ये एक भैंसा था जो कि 25 यार्ड से ये हमला किया करता था. तो आज के ज़माने में जंगली भैंसा ही कहते हैं. ये उस वक्त के कुछ वार के मनाजिर. यहाँ पे एक सख्त लौंडा लड़की को इंटरव्यू देते हुए हूँ. अगर भाई आप लोगों को नहीं पता तो दिस इज द मैप ऑफ टैक्सेस जिस स्टेट में आपका भाई रहता है. तो टैक्सेस के अरेंजिंग आइकन की बात करते हैं तो लॉन्ग हॉर्न कैटल्स हैं. जाने इस चीज़ को कौन नहीं जानता. हमारे मुल्क में आज भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोग ऐसे ज़िंदगी बसर करते हैं. ये उस ज़माने के कुछ सेलिब्रिटीज़ के कपड़े. काश आपके भाई के पास ऐसी कोई गाड़ी होती यार. Check this. जानी इसके बारे में किसको नहीं पता कि पहला इंसान चांद में यूएसए से गया था बट वो टैक्सेस से था. देखो जानी दुनिया में आप लोगों ने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जिनको मुख्तलिफ चीजें कलेक्ट करने का शौक होता है बट कभी आपने ऐसा बंदा देखा है जिसको पुरानी चीजें जमा करने का बहुत शौक है और उसने एक ऐसी चीज बनाई है कि लोग उसे दूर दूर से देखने आते हैं. नहीं देखा ना, चलिए दिखाते हैं. Okay, so he's the Vincent Anneman and he's the owner of this whole site. So how you? I'm the Junk King. I've been living here since 1989. This is the Cathedral of Junk in South Austin. Yeah. Okay. And this is the really huge and massive junk. And how much time you will to build this one? 31 years. 31 years. And my little timeline right here. Yeah. This is me when I was 16 in my backyard in Santa Fe, New Mexico with one of my first backyard sculptures. Ooh. So it's just what I like to do. Awesome. This is the yard when I first moved in. There was nothing here. It was just a big lawn and the oak tree. And after that, you would have just built this the whole little thing. Sculptures and yeah. They grew together. And then people started saying, hey, what do you call that? I didn't know what to tell them. I called it Yard Space 11. That didn't make any sense to anybody. My mother started calling it the Cathedral of Junk. Cathedral and that stuff junk. Like glue. And I got it right. To the top. In 2010, the city made me get a building permit for this. That's a detail from the architect's drawing and the site plan. I had to have an engineer sign off on this. Oh, that's really good. That's a story that the Wall Street Journal did about this. Ooh, no, you just can't hurt me. No, you just can't hurt me. No, no, no. No, you just can't hurt me. No, you just can't hurt me. तो जानी ये है लास्ट शॉट लास्ट मोमेंट इन ऑस्टिन और अभी थोड़ी देर तक फ्लाइट है मेरी वापस लवक. बट इन 14 डेज का ऑस्टिन में पता ही नहीं चला कि कैसे स्पेंड हो गए. बाय द वे दिस ट्रिप इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रिप्स
in my life और आपके बारे में जानी बहुत enjoy और आखिर में thank you so much VXI powered by AT&T giving me this sponsored trip. तो अभी आपकी भाई की flight है तो चलता है आपका भाई. Goodbye. No, it just can't hurt me.